दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दो कि आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन यानी कि ABDM अब भारत के सभी राज्यों के लिए लागू कर दिया गया है और इसमें आप अपना हेल्थ आईडी बना सकते हैं और भारत के सभी हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स और नर्सेस को इस डिजिटल पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। और इससे हम लोग को फायदा ये होगा कि जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक पर जाएंगे तो आपको अपने मेडिकल हिस्ट्री के रिकॉर्ड फिजिकल के रूप में अपने साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इस डिजिटल हेल्थ कार्ड को बनाने के बाद आपके मेडिकल हिस्ट्री आपके हेल्थ आईडी पर डिजिटली रिकॉर्ड रहेगा और इससे आप किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में चेक कर सकते हैं और आप कब कौन सा ट्रीटमेंट कराया है, कब कौन सा मेडिसिन लिए है और अभी आपको कौन से मेडिसिन का जरूरत है, आपको ये सारे चीज़ें ये हेल्थ कार्ड से ही आप जो है किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक से पता कर सकते हैं। और ये डिजिटल हेल्थ कार्ड को आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ्री में भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं मेरे लिए एक डिजिटल हेल्थ कार्ड आपको बना के दिखाता हूँ और इसको देखने के बाद आप खुद ही अपने लिए एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाना सीख जाएंगे। तो कृपया करके पूरी वीडियो को देखने का धैर्य रखें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम बाजार पर आना पड़ेगा। आप अगर मोबाइल से जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड को बनाना चाहते हैं तो गूगल के जो क्रोम बाजार है आपके मोबाइल में उसको डेस्कटॉप मोड में एनेबल कर लीजिएगा। बाकी जो भी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा सेम प्रोसेस फॉलो करके आप आसानी से आपके लिए जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड को बना सकते हैं और आपके मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल के क्रोम बाजार पर आने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल ABDM लिख के आपको सर्च करना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उसके बाद सबसे पहले आपको जो वेबसाइट देखने को मिलेगा ndhm.gov.in, ये वेबसाइट को आपको ओपन करना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके आसानी से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद कुछ ही समय में आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, नीचे आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्थ आईडी कार्ड का। तो इधर हेल्थ आईडी का ऑप्शन नीचे आप देखेंगे कि क्रिएट हेल्थ आईडी का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम इसे आसानी से इधर से जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए आगे का पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप आपके खुद के लिए भी एक हेल्थ आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि क्रिएट और हेल्थ आईडी का एक ऑप्शन देखने को हमें मिल रहा है। उसके बाद हमें थोड़ा नीचे जाना है, नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा जेनरेट और हेल्थ आईडी थ्रू जेनरेट भी आधार यानी कि आपके आधार कार्ड के थ्रू भी आप जो है हेल्थ आईडी बना सकते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जो लिंक रहेगा उसमें एक OTP जाएगा तभी आप जो है आधार कार्ड के थ्रू हेल्थ आईडी को बना सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप आधार कार्ड को जो है यूज नहीं करना चाहते हेल्थ आईडी कार्ड के लिए तो आपके मोबाइल नंबर से भी जो है एक आईडी कार्ड बना सकते हैं, लेकिन बाद में उसको भी आपको आधार कार्ड को जो है वेरीफाई करना पड़ेगा कि KYC करना पड़ेगा तभी आपको जो है वो हेल्थ आईडी मतलब वैलिड होगा। और आप अगर डायरेक्ट आधार कार्ड के थ्रू ही बनाएंगे तो आपको दोबारा KYC वेरीफाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आधार कार्ड के थ्रू ही बना देते हैं। सबसे पहले जनरेट भी आधार कार्ड ऑप्शन पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको बताया जा रहा है विल सेंड एन OTP ऑन द मोबाइल नंबर लिंक टू दिस आधार यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसमें एक OTP भेजा जाएगा, उसके बाद ही आप इसको जो है आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो आधार कार्ड नंबर या फिर हमारा वर्चुअल आईडी है वो हम डाल देंगे। तो चलिए हमारा आधार कार्ड नंबर हम सबसे पहले डाल देते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, नीचे आपको इधर जो है इसको आप डिक्लेरेशन को एक बार पढ़ लीजिए, इसमें आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि किस तरह से काम करता है। उसके बाद आपको इधर से जो है हिंदी में भी चाहे तो इसको हिंदी में पढ़े के क्लिक करके इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको इधर जो है मैं सहमत हूँ यानी कि आई एग्री, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है।
सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे आधार कार्ड का जो डाटा है उसको ऑटोमेटिकली हेल्थ आईडी कार्ड के साथ जो है कैच कर लेगा। आपको ज़्यादा कुछ डालने का उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमारा कुछ लोडिंग चल रहा है। तो इधर कभी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपको दोबारा इसको ट्राई करना है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है अभी काफ़ी समय से ज़्यादा इसमें विजिटर्स चल रहा है, मतलब ज़्यादा लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक का इशू हो रहा है। तो देख सकते हैं कि हमारे जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भेजा गया है उसमें एक OTP गया है। OTP को हम बॉक्स के अंदर डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम OTP को देख लेते हैं। OTP को डालने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद विल सेंड वन टाइम पासवर्ड ऑन दिस नंबर, यानी कि इसमें आपको एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर आप रखना चाहते हैं, तो इसमें आपको वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। चलिए हमारा जो मोबाइल नंबर है हम डाल देते हैं, उसका सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा। तो चलिए OTP के लिए हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अगर इतने सेकंड के अंदर OTP नहीं आते तो डिड नॉट रिसीव OTP क्लिक हार्ड टू रिसेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप दोबारा OTP के लिए जो है जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी OTP आने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। अगर नहीं आता है फिर आपको दोबारा रिसेंट OTP कर देना है। तो चलिए हमारा OTP अभी तक प्राप्त हमें नहीं हुआ है, तो हम दोबारा क्लिक यार कर देंगे। तो देख सकते कि OTP भेजा गया है, OTP को हम डाल देते हैं, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ जो भी फोटो रहेगा ऑटोमेटिकली इधर जो है कैच कर लेगा। आपका नाम इधर से जो है आ जाएगा, मिडिल नेम जो भी रहेगा, लास्ट नेम इधर आ गया। आप चाहे तो इसको नाम को चेंज भी कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको इधर कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपका जेंडर इधर से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको PHR एड्रेस, यानी कि आपको PHR एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप जीमेल एड्रेस के लिए रखना पड़ता है अलग अलग एड्रेस, जीमेल एड्रेस जो अवेलेबल आपका होगा वो आप इधर से जो रख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ भी एक रख लेते हैं, मेरा नाम से ही रख लेते हैं। जैसे मेरा नाम डिजिटल मिथुन 2020@NDHM, ये हमारा PHR एड्रेस होगा। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, इस A to Z से लेकर कुछ भी व्हाट्सअप 4 words रख सकते हैं। उसके बाद आपका ईमेल आईडी डाल सकते हैं इधर, जो हमारे ईमेल एड्रेस हम इधर से डाल देते हैं। उसके बाद इधर जो है एड्रेस ऑटोमेटिकली आपका फिलअप किया हुआ रहेगा। इधर स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, इधर से स्टेट सर्च करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड, यानी कि हमारा जो प्रोफाइल है हेल्थ कार्ड का ऑलरेडी अपडेट हो गया। उसका चलिए अभी आपको कार्ड दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा योर हेल्थ कार्ड ही कार्ड, ये हमारा हेल्थ आईडी कार्ड हो गया। इसको आप चाहे तो जैसे डाउनलोड हेल्थ कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको जो है प्रिंट करा के उसको लेमिनेशन करा सकते हैं। फिर वर्चुअल कार्ड में भी जो PVC कार्ड होता है, प्लास्टिक कार्ड है, उसमें भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद इधर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा माई अकाउंट का ऑप्शन पर। जैसे आप जाएंगे आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, आपको नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज सेट पासवर्ड कर सकते हैं, यानी कि कुछ पासवर्ड रख सकते हैं आपके आईडी के लिए। उसके बाद आप मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, रिकवाईसी वेरिफिकेशन, यानी कि आप चाहे तो इसको रिकवाईसी करा सकते हैं।
उसके बाद आपके अकाउंट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप माई बेनिफिट्स ऑप्शन पर से क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट के तरफ से जो भी आपको बेनिफिट्स मिलता है उसका डिटेल्स आपको इधर से देखने को मिलेगा। इस तरह से आप जो है इसका बेनिफिट्स आप इधर से चेक कर सकते हैं। और इसके एक ऑफिशियल एप्लीकेशन भी है, उसको अभी आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एबीडीम लिख के सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल में। गूगल में सर्च करने के बाद सबसे पहले जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, वही वेबसाइट आपको सिंपली ओपन कर लेना है। और सबसे पहले ऊपर में ही आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि डाउनलोड हेल्थ रिकॉर्ड ऐप, राइट साइड ऊपर कॉर्नर में आप देखेंगे स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप डाउनलोड करें। और ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ अभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल किया गया है और आईफोन यूजर्स के लिए अभी तक नहीं बनाया गया है। तो मेरे पास कोई अभी तक जो है एंड्रॉयड डिवाइस नहीं, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। आप अगर गूगल के प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट सर्च करेंगे डाउनलोड हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप तो भी आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये इस पर क्लिक करके भी आप आसानी से जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर का जो एप्लीकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये एप्लीकेशन को आपको जो है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इधर आपको जो है आपका जो हेल्थ आईडी कार्ड का आईडी है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको आसानी से इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इधर जो भी प्रोसेस है आपको इधर देखने को मिल जाएगा। और जो भी रिकॉर्ड्स है आप चाहे तो मैन्युअली आपके मेडिकल्स के रिकॉर्ड्स को आपके ऐप के थ्रू जो है अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रोसेस जो है गवर्नमेंट के तरफ से पूरा अपडेटेड नहीं है, यानी कि जो भी मेडिकल आपका रिकॉर्ड्स है वो ऑटोमेटिकली ये ऐप में अपडेट नहीं होगा, क्योंकि हर एक जो मेडिकल शॉप है, जो भी हॉस्पिटल से क्लिनिक है, उसको अभी तक लिंक नहीं किया गया है। इस वजह से आपको डाटा जो है मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर आपको जो है PHR एड्रेस और पासवर्ड डाल के सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे जो है इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ई एप्लीकेशन का लिंक में भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है हेल्थ आईडी कार्ड को जो है अपने मोबाइल से ऑनलाइन बना सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़े आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल है या फिर सुझाव है तो आप नीचे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।